एंड आई होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हिमांशु उपाध्याय एंड यू गाइस आर वाचिंग इंडिया लिफ्टर। सो गाइस, जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी बिगिनर बाइसेप्स वर्कआउट के ऊपर, और जो हमारी आज वीडियो होने वाली होने वाली है बिगिनर ट्राइसेप्स वर्कआउट के ऊपर। सो गाइस, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, वो हमारे भाई सोचते हैं कि बाइसेप्स ट्रेन करना जरूरी है, ट्राइसेप्स को इग्नोर कर देते हैं, ट्राइसेप्स की मसल को हिट ही नहीं करते वीक में। तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर सिमेट्रिकल लुक चाहिए अपने आर्म्स में, प्रॉपर एस्थेटिक लुक चाहिए, तो आपको बिगिनर्स को, किसी को भी, बिगिनर्स को नहीं, सबको बाइसेप्स के साथ साथ ट्राइसेप्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इक्वली ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन कर लिया और ट्राइसेप्स को थोड़ा बहुत खाली नाम के लिए कर लिया ट्रेन, तो ऐसे नहीं चलेगा। इक्वली ट्रेन करोगे तभी एक प्रॉपर लुक आएगा आर्म्स में, आर्म्स खुल के दिखेंगी, अलग से दिखेंगी। और ट्राइसेप तो हमारी वैसे भी इंप्रेसिव मसल होती है, जो अलग से टी शर्ट पहनने के साथ या कुछ भी ऐसे वॉक करते हैं टी शर्ट पहन के, तो वैसे ही दिख जाती है ट्राइसेप। तो ये बहुत इंप्रेसिव मसल होती है, इसको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस, मैं आपको आज वही एक्सरसाइजेज बताऊंगा ट्राइसेप्स की, जो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ट्राइसेप्स के लिए, और जो हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी उनकी ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए। सो गाइस, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ट्राइसेप्स हमारा कंप्लीट कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं। सो गाइस देखो, पहले जो हमारा होता है वो होता है हमारा ये लेटरल हेड, जो ऊपर होता है, जो अलग से अपनी इंपॉर्टेंस शो कर देता है ट्राइसेप्स में, अलग से ही दिख जाता है। फिर हमारा आता है नीचे की साइड में लॉन्ग हेड, ये सबसे बड़ा हेड होता है हमारे ट्राइसेप्स का, और इसके नीचे जो सबसे छोटा हेड होता है वो होता है हमारा मीडियल हेड। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हमें लेटरल और ये लॉन्ग हेड को ट्रेन करना चाहिए, बट नहीं, हमें मीडियल हेड को भी एज इम्पोर्टेंस देनी है जैसे हम लेटरल और लॉन्ग हेड को दे रहे हैं, बिकॉज ये हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में हेल्प करता है ट्राइसेप्स की। सो गाइस, हमें तीनों हेड्स को एक साथ ट्रेन करना है, इसीलिए मैं आज जो एक्सरसाइजेज लाया उनमें हर हेड ट्रेन होगा, हर एक्सरसाइजेज में हर हेड की इंपॉर्टेंस होगी और हर हेड ट्रेन होगा। और बट कुछ कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होंगी जिसमें स्पेसिफिकली, जैसे लेटरल हेड है तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगी, बट उसमें भी तीनों हेड एक साथ ट्रेन होंगे। तो मैं एक्सरसाइज वही लाया हूँ जिनमें तीनों हेड्स एक साथ ट्रेन हो, हम ज़्यादा ओवर ट्रेन नहीं करेंगे, 4 से 5 मैक्सिमम एक्सरसाइज, क्योंकि मसल उतनी बड़ी नहीं है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मैंने आपको बताया मसल उतनी बड़ी नहीं है, तो हमें इतना ज़्यादा ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मैक्सिमम एक्सरसाइज होती हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो ओवर ट्रेन हो जाएगा, फिर फ़ायदा उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, इसलिए ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे अभी। अभी हम बिगिनर हैं, अभी हम पहले उतना ही वर्क करेंगे जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा उसको अच्छे से देखना, समझना, फॉर्म पे ध्यान देना, सेट्स, रेपिटेशन सब देखना। मैं आपको एक्सरसाइज करते करते बताता रहूँगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज किसको हेड को हिट कर रही है, उस बात का ध्यान रखना। और गाइस, आप प्यार बहुत अच्छा दिखा रहे हो वीडियोस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके रिस्पांस देख के। ऐसे ही बस कमेंट करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो, इतनी अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, आपको भी अच्छी लगती होगी, मुझे भी अच्छी लगती है बनानी आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। और बाकी हम मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद बात करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, जो पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है ट्राइसेप्स में क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें हमारे तीनों हेड ट्रेन होंगे, बट ये लॉन्ग हेड और मीडियल हेड इस पर ज़्यादा फोकस, स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करेंगे, और बट हेड तीनों ही ट्रेन होंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर कर लेना ताकि कोई इंजरी या क्रैम्प ना आए। तो मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कि ये करना कैसे है। सो ये हम चाहे तो कर सकते हैं बेंच प्रेस पे भी बारबल से, बस उसमें क्या होगा कि फॉर्म ख़राब हो सकती है, हम अभी बिगिनर हैं तो हमें फॉर्म पहले मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पे आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग रहता है, गिरने का भी डर नहीं रहता, पीछे आप सपोर्ट रख लेना अगर आपको नीड हो तो। वैसे तो वेट उतना हैवी रखना ही है, वेट नॉर्मल रखना है, पहले फॉर्म इम्प्रूव करना है। तो देख लो करना कैसे है, जैसे बेंच प्रेस पे करते हैं, लेट के पीछे, देन हमारे जो हाथ होंगे, ठीक है, हमारे हाथ ज़्यादा क्लोज नहीं रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर हमने क्लोज रखा तो हमारे रिस्ट इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि पूरा रिस्ट पे आ जाएगा वेट और शोल्डर अनेबल हो जाएंगे। ट्राइसेप्स तो आएगा ही, रिस्ट ज़्यादा हो जाएंगे और रिस्ट पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें शोल्डर साइज़ के हिसाब से हाथ रखने, जैसे ये हो गए, ये शोल्डर साइज़ के हाथ से हिसाब रख लिए, इसे ओपन किया ऐसे, ऑल द वे अप, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे ऐसे, डाउन अप, इनहेल
एक्सहेल इनहेल एक्सहेल बस। और मैं बता दूं, जब हम क्लोज ग्रिप रखते हैं तो गलतियां क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ये जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट पड़ेगा तो इस पर बहुत ज़्यादा पेन आएगा, और फिर वही बात है कि अगर ज़्यादा वेट होगा तो इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये ग्रिप नहीं करनी है। इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी, वो भी देख लो, अगर हम क्लोज ग्रिप करते हैं तो हमारे हाथ देखो कहाँ जा रहे हैं, हमारे एल्बोज पूरे बाहर चले जा रहे हैं, इससे तो पूरा कुछ बन ही नहीं रहा ना, ये शोल्डर पे चले जा रहा है पूरा वेट। हमें क्या करना है, शोल्डर साइज पे हाथ रखने हैं, ओपन करना है ऑल द वे अप, कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर, देन ऑल द वे डाउन अप डाउन अप, बस यही करना है। फॉर्म बनानी पहले बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पे करना। अगर ये मशीन ना हो तो बेंच प्रेस पे जाके बारबेल से करना, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले इसी पे करना। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्टार्टअप देने के लिए, ट्राइसेप के लिए बहुत सही एक्सरसाइज है, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है, बहुत अच्छा ट्रेन करेगा आपके तीनों हेड्स को। सो इसको स्टार्ट करें, इसके चार सेट्स लें, रेपिटेशन 12, 10, 8, 6 यही रखें, और जो जो मैंने फॉर्म में बताया है कि वो गलतियाँ नहीं करनी तो गलतियाँ मत करना, नहीं तो उसे इंजरीज हो सकती है। सो ये एक्सरसाइज ज़रूर करना स्टार्टिंग में। I've been flying from town to town, from London to... So guys, जो second exercise हमारी होने वाली cable push down, इसके भी हमें करने हैं चार sets, repetition वही रहेंगे 12, 10, 8, 6, और ये हमारे तीनों heads को एक साथ train करती है, specifically lateral head पे ज़्यादा focus डालती है, but train तीनों head होंगे। मैंने जैसा आपको starting में बताया था कि हम सारी वही exercise करेंगे जिसमें तीनों heads train होंगे, बट स्पेसिफिकली जो ज़्यादा हिट होगा वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ये मैंने आपको बोला था, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें लेटरल हेड स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू मीडियल एंड ये लॉन्ग हेड ज़्यादा हिट होगा, पर हेड तीनों हिट होंगे। और मैं आपको ये बता दूँ एक्सरसाइज करने कैसे है, तो फॉर्म जरूर देखो एक बार। हमें केबल को नीचे कर देना है, हिप्स एकदम सीधे ऐसे हैं, हिप्स थोड़े से बाहर, चेस्ट अप पूरा डाउन, देख सकते होंगे आप कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रही है हमारी लेटरल हेड पे, अप डाउन ऑल द वे डाउन, एक दो सेकंड का वेट, डाउन एक डाउन, यहां तक लेना है इसको, ठीक है। एक बार मैंने एल्बोस का साइज देख लें कि कहां तक हाथ जा रहे हैं मेरे, डाउन डाउन पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी फील होगा, फील आएगा मसल पे ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बिगिनर्स को तो फॉर श्योर करनी चाहिए, और हर बिगिनर करता भी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको अवॉइड मत करना, इसको सेकंड एक्सरसाइज में अपने फॉर श्योर डालना और अच्छे से करना, ये बहुत अच्छे से मसल्स को ट्रेन करती है। Ready to explore right up in the sky, I need you to listen, I need you to hear, and don't show. So guys, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने जा रही है वो होने वाली है रोप पुल डाउन, इसके भी हमें चार सेट्स करने हैं 12, 10, 8, 6 रेपिटेशंस के साथ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर ट्राइसेप्स, तीनों हेड्स को ट्रेन करती है, लेटरल हेड्स स्पेसिफिकली। हाँ सो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता था आपको, जैसे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कर्ल्स करने होते हैं राइट, तभी हमारे बाइसेप्स ट्रेन होते हैं, बट ट्राइसेप्स में इसका थोड़ा रिवर्स हो जाता है, हमें पुल डाउन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं ट्राइसेप्स के लिए। पुल डाउन एक्सरसाइजेज जितनी होती हैं वो हमारे ट्राइसेप्स को हिट करती हैं, और कर्ल्स एक्सरसाइज जितनी होती हैं हमारे बाइसेप्स को हिट करती हैं, तो हमारी जितनी भी मैक्सिमम एक्सरसाइजेज होंगी ट्राइसेप्स की वो पुल डाउन ही होंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए, ये देख लो मैं फॉर्म बता देता हूँ। ये रहा रोप, रोप को होल्ड करना नीचे से, ठीक है, इसको नीचे दिया, पहले फर्स्ट पोजिशन सेम पोजिशन रहेगी, हिप्स बैक, चेस्ट अप, रोप डाउन अप, रोप को लेके कहाँ जाना है, बहुत बार लोग ऐसे ले जाते हैं रोप को, ये नहीं करना, बाहर की तरफ खींचना है रोप को, जब नीचे आएगा रोप बाहर की तरफ खींचेगा, नीचे आएगा बाहर की तरफ खींचेगा, जितना बाहर खींचेगा रोप उतनी कॉन्ट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा इस पर आपको मसल पे फील होगी कॉन्ट्रैक्शन, और ज़्यादा टेंशन फील होगा मसल पे जितना रोप आउटसाइड जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं मसल पे खुद ही आपको शो हो रहा होगा कि मसल पे कैसा इफेक्ट आ रहा है जब मैं रोप को बाहर कर रहा हूँ, पहले अंदर है रोप तो ऐसे रह गए, बाहर कर रहा हूँ तो देखिए दिस इज द डिफरेंस, फुल रेंज ऑफ मोशन में जा, ये हाफ रेंज ऑफ मोशन हो गया,
ठीक है, ये हाफ रेंज हो गया। अब इसको फुल रेंज ऑफ मोशन में करते तो देखिए मसल पे कैसे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ये फुल रेंज ऑफ मोशन है, ये सो इसको ऐसे परफॉर्म करना है, अच्छे से परफॉर्म करना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर बिगिनर्स। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. So guys, जो next exercise करने जा रहे हैं वो है tricep dips. इसे bench tricep dips भी कह सकते हैं। ये हमारे तीनों heads को train करेगा, lateral, medial और long. तीनों heads को train करेगा और इसका form मैं आपको बता देता हूँ। इसके sets जो रहेंगे वो रहेंगे चार, but repetition में changes आएंगी। 15 से 20 के बीच में repetition रखना, नहीं तो 12-10 में feel होगा ही। तो 15 से 20 के बीच का repetition रखना, form देख लो एक बार। हमारे हाथ शोल्डर के साइड में बेंच पे, देखो ये है ना, जो ये हिस्सा ये आएगा यहाँ पे। पैर देख लो, पैर कैसे रेडी के ऊपर हमारे पैर, और ऑल द वे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। बस ये करना बहुत इजी है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोई इक्विपमेंट की नीड नहीं रहती, तो इसको फॉर श्योर करें और अपने शेड्यूल में जरूर लाएं। सो गाइस, जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारे ट्राइसेप्स बिगनर्स वर्कआउट की, वो होने वाली है डंबल केक बैंड्स। ये भी हमारे तीनों हेड्स को ट्रेन करती है, स्पेसिफिकली लेटरल हेड। और गाइस मैं आपको इसका फॉर्म बता देता हूँ, करना कैसा है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फिनिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज एज अ फिनिशिंग जरूर करना। हमने ले लिया 5 kg के डंबल्स, हम चाहे तो ये सीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चाहे तो अगर सीट की प्रॉब्लम हो, अगर ज़्यादा ना हो या सीट्स नहीं होंगे अवेलेबल, तो ये बारबेल और पकड़ लिया हमने, चेस्ट हाफ हिप बैक डाउन थोड़ा सा, हाथ यहाँ, ये ऑल द वे बैक, एक दो एक दो एक दो एक दो, ट्राइसेप्स की पूरी कॉन्ट्रैक्शन आएगी। देखिए ये दूसरे हाथ से भी सेम चीज करनी है, ठीक है, दूसरे हाथ से भी सेम चीज करनी है। मैं इस पे करके दिखा देता हूँ, इस पे भी कैसे करना वो भी देख लो। चेस्ट अप हिप्स बैक, हाथ से सपोर्ट ले लिया ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑन द वे बैक बैक, इसको ज्यादा अंदर बाहर नहीं करना, एक वे में चलाना है हाथ को, ये ऐसे ही करना है दोनों हाथ से 12-12, नेक्स्ट है 10-10, नेक्स्ट 8-8, नेक्स्ट 6-6, ऐसे इसके सेट्स परफॉर्म करने हैं। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स की। तो गाइस ये हमारी बिगिनर ट्राइसेप वर्कआउट की एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जो मैंने की थी वो मैंने आपके लिए आज शेड्यूल की। ये एक्सरसाइजेस अपने शेड्यूल में फॉर श्योर डालना, 1 से 1.5-2 महीने तक कंटिन्यूस चलाना, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रिकवरी और प्रॉपर एक्सरसाइज करना, पक्का चेंजेस आएंगे। और बाइसेप्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हो तो ट्राइसेप्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना, आज तक नहीं दी तो आज से देना चालू कर देना, और इक्वली ट्रेन करना, तभी आपका एक एस्थेटिक, एक प्रॉपर लुक, एक फिनिशिंग आ पाएगी आपके आर्म्स में, इस बात का ध्यान रखना। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में फॉर श्योर डालना, क्वेरी पूछना, मैं आपका जवाब दूंगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, और जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा उसके एप्रिसिएशन में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी क्वेरी होगी मैं पक्का आंसर करूंगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गाइस कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी।